सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक और नई प्रॉब्लम के बारे में। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे जेड अचीवर एप्लीकेशन को ओपन करते हो, कोई भी फाइल को कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करते हो, तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से एरर आ रहा है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जहाँ पे लिखा हुआ है गाइस कंप्लीट दिस एरर, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। कुछ इस टाइप से गाइस आप लोग को प्रॉब्लम देखो मिल जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ इस टाइप से एरर प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कैसे कर पाओगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले तो मदद चैनल पर नहीं हो, पहली बार हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कैसे इस वाले प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना है, जो स्टेप मैं आप लोग को बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देख के ध्यान से फॉलो करना, देन उसके बाद आप लोग का प्रॉब्लम यहाँ पे 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करना है, सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर दो। ठीक है, जेड अचीवर एप्लीकेशन को यहाँ से कट करो। कट करने के बाद आप लोग सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करो। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है जेड अचीवर। ठीक है, जेड अचीवर लिख के जिसे सर्च करोगे आप लोग को यहाँ पे जेड अचीवर एप्लीकेशन देखो मिल जाएगा। सिंपल इसको पहले यहाँ पे ओपन कर लो। ठीक है, ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखो कोई अभी अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे कोई भी अपडेट शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे ओपन शो कर रहा है, अगर आपका यहाँ पे अपडेट लिख के आ रहा होगा तो पहले आप लोग यहाँ पे क्या करना, अपडेट कर लेना। ठीक है, अपडेट करने के बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ से इसको यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, कट करने के बाद गाइस आप लोग क्या करना, अपने फोन का ना सेटिंग होगा, सेटिंग को ओपन कर लेना। ठीक है, सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस आप लोग को थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे से आना है, नीचे आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है। ठीक है, इस पर जाने के बाद यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है। ठीक है, इस पर जाने के बाद गाइस आप लोग के सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप लोग इसमें देख पा रहे हो। आप लोग को यहाँ पे ना जेड अचीवर एप्लीकेशन को खोज लेना है। ठीक है, जेड अचीवर, तो यहाँ पे मैं खोज लेता हूँ जेड अचीवर कहाँ गया गाइस, जेड अचीवर, तो ये रहा जेड अचीवर एप्लीकेशन, यहाँ पे देखो मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर लेना है, इसको यहाँ से क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर लेना है। देन उसके बाद आप लोगों को नीचे मिलेगा स्टोरेज का ऑप्शन, यहाँ पे देखो स्टोरेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कैश, क्लियर ऑल डाटा कर देना है। देन यहाँ पे कैंसिल एक्सेस परमिशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ से हटा देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ से इसको यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, सब कुछ कट करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना, अपने प्ले स्टोर के अंदर जाना और यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे सर्च करना आप लोग माई फाइल। ठीक है, इस टाइप से लिखना माई फाइल और आप लोग को क्या करना है, ये जो फाइल देख रहे हो माई फाइल एक्सप्लोजर, ये एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को आप लोग अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना। ठीक है, नहीं तो गाइस आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारा और भी एप्लीकेशन देखो मिल जाता है, चाहो तो आप लोग ये वाला भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप लोग क्या करना, अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या करना, अपने जेड अचीवर एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जेड अचीवर एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे ओके में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, फिर से यहाँ पे कट करो, एक बार दोबारा इसको ओपन करो, क्योंकि यहाँ पे परमिशन मांगेगा, कुछ नहीं मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं कोई भी फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि ये इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं किसी भी फाइल में जाके मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली मेरा यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मूव हो रहा है। देखो यू फोल्डर को यहाँ से मैंने इधर मूव कर लिया। ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्लियर कैच क्लियर ऑर्डर करने से आपका जो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो गाइस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, माई फाइल जो एप्लीकेशन, इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ स्टेप से आपके फोन के अंदर ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद वो क्या करना है, स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, फिर डाटा जो भी होगा आपके फोन के अंदर कार्ड होगा तो उसको ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद वो क्या करना, जो भी फाइल को मूव करना चाहते हो, ठीक है, तो उस फाइल को यहाँ पे कॉपी कर लेना। जैसे कि मेरे को ये इसको कॉपी करना है। ठीक है, इसको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट नीचे देखो ऑप्शन मिला मोर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो, कॉपी पे क्लिक करो। देन उसके बाद जो भी फोल्डर में पेस्ट करना है, ठीक है, इसमें आना है, देन यहाँ पे पेस्ट कर देना। देखो वो फोल्डर बड़ी आसानी से हमें पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो भाई लोग कुछ स्टेप से इस वाले प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका क्या बोलते हो पेस्टिंग का या फिर कॉपी का फिर मूव करने का एरर आता है ये सब करने पे, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग स्टेप से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।